हेलो एवरीवन वेलकम टू अर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट तो आज हम ट्वेल्थ सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर एट सोशल मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी एक दो और वीडियोस में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था हम लोग जो है आ, आपके इकोलॉजिकल मूवमेंट कर चुके थे ठीक है पीजेंट मूवमेंट कर चुके थे आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे वर्कर मूवमेंट देखो वर्कर से रिलेटेड मूवमेंट अब वर्कर्स जो है वो मूवमेंट करेंगे या वो अपने लिए राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे कब जब वर्कर्स का क्या हो रहा होगा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा और वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन पहले तो आप ये जानिए किस किस वे में हो सकता है आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स ठीक है आप उनको प्रॉपरली वेजेस नहीं दे रहे हो इम प्रॉपर वेजेस हैं तो इन तरीके से क्या हो सकता है वर्कर का एक्सप्लाइटेशन हो सकता है ये हमें पता है मतलब जितना काम आप करवा रहे हो उसके बदले उन्हें पैसे नहीं दे रहे हो उनको रेगुलर इंटरवल ब्रेक नहीं दे रहे हो वर्किंग आवर बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो हॉलीडेज नहीं दे रहे हो ठीक है तो जो स्ट्रक्चर वर्किंग एनवायरमेंट का है ना वर्किंग आवर ज्यादा है ठीक है लीव्स वगैरह जो है आप लीव्स प्रॉपर नहीं दे रहे हो छुट्टियाँ नहीं है प्रॉपर ये सब चीजें जो गैप है इंटरवल्स है वो नहीं उन्हें प्रॉपर मिलती हैं तो ये सब प्रॉब्लम जो होती हैं वो होती हैं जिस वजह से वर्कर्स जो है वो अपनी मैनेजमेंट या अपने एम्प्लॉय जो उनके इंप्लॉयर्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाते हैं अब देखो इंडिया में जो फैक्ट्री प्रोडक्शन था वो स्टार्ट हुआ अर्ली एटीन के टाइम पे कैलकटा बॉम्बे वगैरह में स्टार्टिंग में फैक्ट्री लगाई बाद में फैक्ट्री मद्रास में भी लगा दी गई ठीक है यहाँ पे पोर्ट एरियाज से जनरली ट्रेड यहीं हो रहा था ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपैरेटिवली आसान पड़ता था इसलिए पहले कैलकड़ा मुंबई एंड देन लेटर ऑन मद्रास में क्या लगा दी गई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर दी गई एटीन थर्टी नाइन के टाइम पे टी प्लांटेशन भी होने लगा आसाम में तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा ह्यूज मासिव नंबर में हमें वर्कर्स देखने को मिले अब जो वर्कर्स ज्यादा है काम हो रहा है फैक्ट्रीज है प्रोडक्शन हो रहा है तो लेबर्स को रेगुलेट करने की भी तो ज़रूरत है ना नहीं करोगे अगर एक्सप्लॉयड करोगे तो एक टाइम पे जब उन्हें राइट, राइट का अपने राइट्स का रियलाइजेशन होगा एक टाइम पे जब वो अवेयर होंगे तो देन दे विल रेज द वॉइस वो अपनी आवाज उठाएंगे सूनर और लेटर पीपल विल रेज द वॉइस तो वही चीज होती है अब नेशनल लीडर्स ने क्या करा जो आपके बेसिकली फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल उन लोगों ने क्या करा वर्कर्स को भी एंटी कॉलोनियल जो वर्कर मूवमेंट थे उनको भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में इंक्लूड कर लिया तो जो नेशनल लीडर्स थे इन्होंने वर्कर्स को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की तरफ जो था वो मूव कर लिया अब धीरे धीरे इंडस्ट्री जो आपकी एक्सपेंड हो रही थी ना इससे पुअर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पुअर को पुअर परेशान हो रहे थे देखो क्यों इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो रही है लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट होता है रिचर और रिच होते जा रहे हैं पुअर और पुअर हो रहे हैं जब आप इंडस्ट्री लगा रहे हो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो आप लोगों को हटा रहे हो वहाँ से उनके हैबिटेट से हटा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों में अल्टीमेटली पुअर को सफर करना पड़ रहा था फिर कुछ फेमाइंस वगैरह आई ये सब चीजें हुई उसके बाद फूड शॉर्टेज हमें देखने को मिली क्योंकि आप इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या कर रहे हो एग्रीकल्चर का भी ना हम क्या कर रहे हैं कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं तो आप सब कुछ बना के उगा रहे हो और बाहर बेच रहे हो तो खुद के खाने के लिए तो बचा ही नहीं कुछ सेल्फ सफिशियंसी तो अटेन ही नहीं हुई सेल्फ सफिशियंसी हुई नहीं तो फूड की शॉर्टेज पड़ने लगी अब फूड की शॉर्टेज होने लगी तो प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे जिस वजह से अल्टीमेटली पुअर को प्रॉब्लम हो रही थी अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाउ एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री क्रिएट मिजरी टू पुअर अब ये क्वेश्चन आते हैं टू टू मार्क्स वाले अब पढ़ाए होते हैं इन बिटवीन आपको देखो कवर करा रखा है यहाँ पे डायरेक्ट आंसर तो प्लीज ऐसे आंसर गलत मत करिए बाकी मैं जो अभी एक टॉपिक uh, आप लोग करा रही हूँ जिसमें मैं हार्डली देखो मैक्सिमम कोशिश करूंगी पांच मिनट से छोटी वीडियो बनाऊ एक मिनट डेढ़ मिनट दो मिनट मतलब पाँच मिनट से छोटी वीडियोस बनाऊँ जिसमें आपकी सारी रिवीजन कराऊंगी और उस रिवीज़न को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना वो पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन है और हर बोर्ड के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है प्लीज़ कोई भी बच्चा ये नहीं कहे कि मैम बिहार बोर्ड असम बोर्ड ये बोर्ड वो बोर्ड वो हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको सुनिए आपको एट एनी हाउ कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे बाकी मैं बोर्ड टारगेट करके अगर पेपर सॉल्व करवाऊंगी लेटर ऑन फेबररी वगैरह में हम करेंगे तो देखेंगे टारगेट करते हैं बोर्ड को भी ठीक है अब हम बात करते हैं फूड शॉर्टेज और इंक्रीज इन प्राइस देखने को मिला फिर हम बात करते हैं स्ट्राइक देखो वर्कर जब काम नहीं करेंगे प्रोडक्शन रोक देते हैं हम स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं हम धरने पे बैठ जाते हैं वी आर नॉट एग्रींग विद योर प्रेजेंट वर्किंग सिनेरियो हम नहीं एग्री कर रहे हैं आपके वर्क से और आपकी जितनी भी प्रपोजल्स हैं मैनेजमेंट से डिसग्री कर रहे हैं हम ठीक है तो सेप्टेम्बर से अक्टूबर दो के बीच में हमें देखें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला थर्टी स्ट्राइक्स देखने को मिली जूट वर्कर्स जो थे कैलकाटा में मतलब कौन कौन स्ट्राइक कर रहा है मद्रास में जो यहाँ पे वर्कर हमें देखने को मिले कार्नेटिक मिल के और बुचिंगम के वर्कर्स ने भी स्ट्राइक की टेक्सटाइल वर्कर जो थे अहमदाबाद के उन्होंने भी स्ट्राइक की अब देखो जब तक कोई मैंने बोला था ना सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइज होना जरूरी है एक जो टोके आवाज उठानी जरूरी है तो जो पहली ट्रेड यूनियन बनाई गई जो वर्कर्स की यूनियन बनी ठीक है वो थी अप्रैल 1918 में मद्रास में बनाई गई बाय बीपी वाडिया क्वेश्चन पूछ सकता है बीपी वाडिया का नाम पूछ सकता है कहाँ बनाई गई पूछ सकता है ठीक है यहाँ पे क्या था बी पी वाड़िया थे कौन एक सोशल वर्कर थे प्लस ये थियोसोफिकल सोसाइटी जिसको एनी बेसेंट लीड कर रही थी मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे याद कीजिए अगर आपने पढ़ी होगी तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी ठीक है उन तो ये उसके एक मेंबर थे और ये एक सोशल वर्कर थे कौन बी पी वाड़िया जिन्होंने पहली ट्रेड यूनियन नाइनटीन में मद्रास में बनाई थी इसके अलावा और क्या हो रहा था वर्कर्स के लिए अगर हम देखें तो नाइनटीन में 1918 में ही टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई गई महात्मा गांधी ने बनाई थी ठीक है उसके बाद 1920 में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई ए आई टी यूसी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बॉम्बे में बनाई गई अब इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे उनकी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी मतलब अलग अलग ग्रुप में लोग बटे हुए थे ठीक है कुछ लोग इसमें थे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे जिसको ले... मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वालों के कुछ नाम है जिनको लीड कर रहे थे ठीक है एस ए डांगे एंड एम एन रॉय ये दो पर्सन थे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लीड कर रहे थे किसकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इसी में कुछ लोग थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो लोग मॉडरेट्स थे जिसको लीड कर रहे थे एम जोशी एंड गिरी इसी में में कुछ नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट लोग भी कह सकते हैं जिसमें में कौन आते थे लाला लाजपत राय एंड जवाहरलाल नेहरू अब ए आई टीयूसी पे शॉर्ट नोट पूछ सकता है ए आई टीयूसी में कौ, मतलब कौन कौन सी आइडियोलॉजी में लोग वर्क कर रहे थे तो सीधा सीधा आइडियोलॉजी पे पूछ सकता है तीन आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट मॉडरेट एंड नेशनलिस्ट कौन कौन लीड कर रहा है ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया एज इट इज आप इसको याद कर लेंगे उसके बाद आता है देखो अब जब लेबर एसोसिएशन बन रही है लोग आवाज उठा रहे हैं हर तरीके के चुप रहने वाले शांति से बात करने वाले ठीक है और गुस्सा दिखाने वाले हर तरीके के जब लोग आवाज उठा रहे हैं ना तो लोगों को क्या कर होना पड़ेगा गवर्नमेंट को मोर कॉशियस होना पड़ेगा गवर्नमेंट थोड़ा सिंसियर होकर चलेगी तो, तो दैट्स वाई जो गवर्नमेंट थी वो ज्यादा केयरफुल हो गई वर्कर्स के लिए कि भैया ऐसा कुछ ना करें जिससे ये लोग और ज्यादा अग्रेसिव हो जाए उत्तेजित हो जाए और थोड़ा सा नेगेटिव चला जाए कुछ भी हमारे लिए ठीक है उसके बाद ग्रांड सम कंसेशन टू वर्कर वर्कर को कुछ कंसेशन भी देने लगे ये लोग डर है भाई अब उनकी कुछ बातें तो मानेंगे सब कुछ इग्नोर नहीं कर सकते तो हम कुछ बातें उनकी मान भी रहे हैं और वर्कर्स को एक हद तक कंसेशन भी दे चल रहे हैं तो इम्पैक्ट क्या पड़ा अगर मैं आपसे ये पूछूँ देखो इम्पैक्ट की बात कर सकते हैं मतलब तो अगर इम्पैक्ट टाइप लिख दे कि इन जो भी एसोसिएशन बन रही थी इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा तो इनका इम्पैक्ट पड़ा कि जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गई है और क्या कर रही है कंसेशन भी देके चल रही है वर्कर्स को अब आ गया है 1922 का फैक्ट्री एक्ट क्या आ गया है 1922 फोर्थ फैक्ट्री एक्ट आया इससे पहले और भी फैक्ट्री एक्ट आ चुके हैं बुक में मेंशन नहीं है अभी नहीं पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ वाले बच्चों को बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है हाँ जो बच्चे पीसीएस या यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा डिटेल में और नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़िए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे फैक्ट्री एक्ट्स के एक्ट के बारे में ठीक है तो यहाँ पे बस इतना बताया कि फोर्थ फैक्ट्री एक्ट ने वर्किंग डे भी टेन आवर्स में रिड्यूस कर दिया था ठीक है पहले शुरू से थोड़ी थी ये सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ मिलता है संडे ऑफ मिलता है इतना टाइम वर्क करना है प्रोविडेंट फंड मिलेगा ये सब आ, सिक्योरिटी की जितनी भी चीजें हैं वो सब मिलेंगी आपको ट्रेवल कंसेशन जो होता है ठीक है लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा ये सब शुरू से मिलते थे क्या धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने आवाज़ उठाई नीड फील हुई तब लोगों ने ग्रुप बनाया और ग्रुप में आवाज़ उठाई तब जाके ये सब चीज़ें आज जो आपको मिल रही हैं बेनिफिट ना वो मिल पा रही हैं तो यहाँ पे फोर्थ फैक्ट्री एक्ट के टाइम पे 1922 में वर्किंग जो आवर्स थे वो पहले ज्यादा थे अब कम करके कितने कर दिए टेन आवर कर दिए गए वहीं 1926 में 1926 में एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम था ट्रेड यूनियन एक्ट जिसमें ये बात बोली गई थी कि जो भी ट्रेड यूनियन होंगी वो अपने आप को क्या कराएंगी र, जो है उन्हें रजिस्टर कराना जरूरी है फिर हुआ क्या ए में ना ज्यादातर हमें देखना दे, देखने को मिला आगे चल के कि, कि कम्युनिस्ट का कंट्रोल जो है वो बढ़ गया है तीन आइडियोलॉजी वाले लोग हमने देखे थे कम्युनिस्ट मॉडरेट और नेशनलिस्ट तो हमने यहाँ पे जाके देखा कि अभी जो है ना वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं उनका रोल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है सो दैट्स वाई जो आईएनसी थी आईएनसी क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ही तो पता ही होगा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो क्रिएट की गई थी एटीन में बाय ह्यूम तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी काफी जगह तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक और यूनियन फॉर्म करी जिसका नाम था

फिर सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन में क्या हुआ मेजर रिसेशन आया मेजर रिसेशन अब देखने प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि अगर मैं इसका वेट करूंगी कि ये शांत हो जाए तो फिर वीडियो काफ़ी देर तक पॉज लेना पड़ेगा एंड मुझे आज ही मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की नेक्स्ट वीडियोस भी मैं बना पाऊँ जल्दी जल्दी तो आई होप ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही है आप लोगों को और आप लोगों को क्लियर हो रहा है ओके okay? uh, तो नाइनटीन और सिक्सटी में हमारी इकनॉमी में मेजर रिसेशन आया ठीक है उसमेर रिसेशन देखो रिसेशन मतलब लंबे समय से, से डाउनफॉल चल रहा है इकनॉमी नहीं कोप अप कर पा रही है तो जब रिसेशन है तो प्रोडक्शन भी कम होगा और इंप्लायमेंट भी नहीं होगी लोगों के पास ठीक है प्रोडक्शन कम है और एम्प्लॉयमेंट भी कम है तो इसी वजह से हमें देखने को और आप देखोगे ना इस चीज को कवर अप करने के लिए ना 1968 में आप लोगों ने पढ़ा हो जिनके पास इकोनॉमिक्स है उन्होंने पढ़ा होगा शायद मैंने यहां भी किसी टॉपिक में आपको पढ़ाया होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट आया था ग्रीन रिवोलूशन में हमने हाई इल्डिंग वेराइटी सीड्स करके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश यहाँ पे की थी ये हुआ इसके अलावा एक और वर्कर्स के रिफॉर्म की जो बात की है वो ये है कि नाइनटीन अब नाइनटीन में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी क्या क्यों कैसे ये सब कहानी नहीं जाननी है ठीक है इतने डिटेल सारे मूवमेंट अभी हमें नहीं स्टडी करने हैं आप बस इतना पढ़ के चलिए जिन जिन मूवमेंट का जिक्र हुआ है और जो डिटेल में करने है, वो हम मैं ऑलरेडी आपको बता के चल रही हूँ ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो हमने वर्कर्स मूवमेंट कर लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर और वुमेंस रिलेटेड और ट्राइबल मूवमेंट बचाएंगे ठीक है वो दो मूवमेंट भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग